बीजेपी अच्छी है, सरकार योगी जी बढ़िया है, योगी जी काम कर रहे हैं, सोच बढ़िया है इनकी। काम बताओ ना। नहीं, काम जो बिजली का महकमा बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। 18 घंटे हमने कभी बिजली ना देखी, हम किसान हैं, कभी भी गांव में हमने 18 घंटे बिजली ना देखी। हमने बड़ी परेशानी झेली है, रात को ट्यूबवेल चलाने जा रहे हैं, बिजली ना आई चली गई, और ट्रांसफार्मर फूक गया नहीं आया, पैसे दे के भी ना आया, 10-10 हज़ार रुपये भी दे के आए, अपनी ट्रांसपोर्ट से लेके आए, तब भी नहीं आया। आज इनकी खुद की ट्रांसपोर्ट है, खुद भेज रहे हैं, एक कॉल कर रहे हैं, हमको मिल रही है सुविधा। जी योगी सरकार में गुंडा माफिया, जो भूमाफिया हैं वो अंडरग्राउंड हैं, कुछ जिन्होंने काम ही छोड़ दिए भूमाफिया करने के, जो वैस और जो वो मोस्ट वांटेड बदमाश है उनका कुछ को जेल में भेजा है, कुछ का खात्मा भी हुआ है, ये आप साहब जानते हो किन किन का खात्मा हुआ है। कुछ आने से ही डर रहे हैं यूपी में, जेल में ही आने से डर रहे हैं कि भाई हम यूपी जेल नहीं जाएंगे, हम तो पंजाब ही रहेंगे। मुस्लिम माफिया हैं, जो भी हैं, विशेष समुदाय से मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी विशेष समुदाय से मतलब हो, लेकिन हाँ जो भी गुंडे बदमाश हैं वो योगी जी से डरे हुए हैं। और योगी जी इतना अपराध की घटना है, कई जगह सड़क पर गोली चलती है, हाथरस जैसा गैंगरेप हो जाता है, और कन्नौज से लेकर उन्नाव तक में किडनैपिंग फिरौती इतनी घटनाएं होती हैं, वो क्या है? ये देखो कुछ तो ग्राफ गिरा है इनमें, अब ये सर इतना बड़ा यूपी है, अब सारा ही कुछ ग्राफ नीचे ही आ जाएगा तो इसमें तो फिर रामराज हो जाएगा। फिर तो योगी जी ने कहा तो यही था 2017 में कि यूपी में रामराज 2021 तक आ जाएगा, 21 भीतर। हम संतुष्ट हैं उनसे, हमें रामराज लग रहा है क्योंकि हम जो निडर हैं।